एशिया की सबसे बड़ी सेठ भामाशाह कृषि उपज मंडी के विस्तार का काम वन विभाग के अड़ंगे की वजह से कागजों में उलझ कर रह गया है। दरअसल सीजन में जगह की कमी को देखते हुए वर्ष 2016 से मंडी को विस्तारित करने के प्रयास शुरू हुए और 96 हेक्टेयर जमीन और आवंटित करने की फाइल का प्रोसेस शुरू हुआ, लेकिन आज 5 साल बीत जाने के बाद भी मामला दस्तावेजों की कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी। मंडी सचिव ML जाटव के अनुसार अभी मंडी 118 हेक्टेयर में संचालित हो रही है, लेकिन सीजन के समय में जब जिंसों की आवक ज्यादा होती है तो काफी परेशानी का सामना मंडी प्रशासन, व्यापारियों और किसानों को करना पड़ता है। इसको देखते हुए मंडी के विस्तार की कवायद शुरू की गई है। वन विभाग और मंडी प्रशासन के साथ गठित की गई टीम ने मंडी की नाप तोल किया और उसमें 22 हेक्टेयर भूमि अतिरिक्त मंडी प्रशासन द्वारा पहले ही ली जा चुकी है। इसको देखते हुए अब 74 हेक्टेयर भूमि और वन विभाग से आवंटित करने की कवायद चल रही है, लेकिन यह मामला कागजों में चल रहा है। मैं जब सीजन में आता है तो मंडी में जगह की, रबी और खरीफ दोनों सीजनों में जगह की कमी होती है। इसके लिए भी मंडी समिति जो है वन विभाग से 96 हेक्टेयर भूमि लेने की एक फाइल चल रही है और उसको 96 हेक्टेयर लेने की, जो वन विभाग से भूमि लेने की कार्रवाई मंडी में प्रस्तावित है। अभी कितनी भूमि है मंडी के पास और कितनी और डिमांड है वन विभाग? अभी हमारे पास में 118 एकड़ भूमि है जिसमें मंडी चल रही है और लगभग 74 हेक्टेयर भूमि और हम वन विभाग से लेने जा रहे हैं।